सूट का दामन अच्छी तरीके से कैसे बनाया जाता है वो तरीका बताऊंगा, क्योंकि सूट का दामन बनाते समय एक तरफ का दामन बढ़ जाता है, वो जो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम मैं आज सोल्व करूंगा कि कैसे दामन को सिला किया जाता है चाक को। ये देखिए यहाँ पे ये लेस पट्टी है, इधर जो बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है और इधर बढ़ता है तो आप इसे छाट कर भी सेव कर सकते हैं कटिंग करके। तो यहाँ से मैं दामन सिलने के लिए बताऊंगा, सबसे पहले जो लेस लगा उधर से आपको सिलाई लगाना है। तो मैं ये देखिए इस तरह से इसको मोड़ना है सबसे पहले और यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये सिलाई लगाते समय ध्यान दीजिएगा कि अपने तरफ कपड़ा को नहीं खींचना है, जहाँ पे आपको मोड़ना है वहीं पे सिलाई लगाना है। और ये कट के सामने भी यहाँ पे फ्रेश से सिला लगाना है। ये देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से फ्रेश मोड़ना है और अंदर की तरफ जो कपड़ा है, ये जो सूट का कपड़ा, इसको मोड़ना है और ये कपड़ा खींचना है ताकि अंदर में कपड़ा जमा ना हो और वो सिलाई अच्छी तरीके से फ्रेशिंग हो जाए। और इसको देखिए जहां पे इसको मोड़ना वहीं पे इसको सिलाई लगाना, इसको खींचना नहीं है, अपने तरफ खींचना नहीं है। अगर खींचेगा तो आपका एक साइड का जो दाम चाक रहेगा वो बढ़ जाता है, इसलिए जहां पे मोड़िएगा वहीं पे सिलाई लगाना है। और फिर जब किनारे में सिलाई लगाओगे, इसमें जो डबल सिलाई लगता है, तो उसमें पीछे से थोड़ा उंगली पे दब लगा लेना है ताकि आपका जो चाक बने वो आपका फ्रेशिंग ज्यादा हो। देखिए इस तरह से दब लगा लेना है। ये देखिए एक तरफ का चाक बन के रेडी हो चुका है इस तरह से, और ये इस तरह से सीधा होना चाहिए सिला होने के बाद। और ये जो बढ़ने का चांस रहता है सबसे ज्यादा, जो सिला होने के बाद ये चाक ये साइड का बढ़ने का ज्यादा चांस रहता है, जैसे ये देखिए लेस का है, ये बढ़ जाता है सिलाई होते समय। ये देखिए इस तरह से इसको मोड़ना है। ये सिला लगाओगे ये साइड का तो ये नहीं बढ़ेगा आपका, ये चाक आपका नहीं बढ़ेगा। कट के सामने जब दूसरे तरफ आप सिला लगाओ वो बढ़ सकता है, जैसे कि यहाँ से आप कट के सामने आए, इसको इस तरह से मोड़ना है और फिर अंदर तरफ का कपड़ा थोड़ा खींच लेना है ताकि कपड़ा अंदर की तरफ जमे नहीं और सिला फ्रेशिंग हो जाए। तो बढ़ने का ज़्यादा चांस यहाँ से शुरू होता है, और अगर आप इसे खींचेगा अपने तरफ तो आपका जो लेस का तरफ जो रहता है वो बढ़ जाता है, तो वहीं से आपका दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आपको खींचना नहीं, जहां पे मोड़ना वहीं पे सिला लगाना है। इस तरह सिला लगाने से आपका चाक नहीं बढ़ेगा, वो सेम आपका सिलाई हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ फिर जो लेस दिया रहता है या फिर आपका पट्टी रहेगा लेस पट्टी, तो फिर वहाँ भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो बढ़ जाता है तो वो देखने में खराब लगता है। तो फिर पीछे की तरफ थोड़ा हल्का दब लगा देना है ताकि आपका चाक जिसका सीधा वो बने, टेढ़ा मेढ़ा ना बने। ये देखिए दोनों तरफ का चाक बन के रेडी हो चुका है, और नीचे का सेप कर लेना है आपको, कपड़ा जो मार्जिंग रहेगा उसे सेप करके कटिंग करके निकाल देना है, थोड़ा सीधा कटिंग कर लेना है ताकि जो बैक साइड का जो पल्ला, जो नीचे साइड का जो सिलाई होगा वो बढ़िया से सिलाई हो सके। और इस तरह से इसको सबसे पहले मेजरमेंट कर लेना है, ये कट के सामने यहाँ पकड़ना है और सीधा यहाँ पे आपको मोड़ देना है और चौक मिट्टी का निशान लगा लेना है। ये देखिए, और दूसरे साइड में भी सेम इस तरह से मोड़ना है
और लेस के सामने इसको बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कट के सामने पकड़ना है और यहाँ फिर जो लेस के सामने से वहाँ पे चौक मिट्टी पे निशान लगा लेना है। ये इंच एक इंच बड़ा रखना है आपको मार्जिन, और इस तरह से इसको मोड़ देना है। ये देखिए चौक मिट्टी का निशान है और यहाँ से फिर सिलाई लगाना है। अगर आप इस तरह से चाक बनाओगे तो आपका कभी भी एक साइड का जो होता है चाक वो बढ़ेगा नहीं। फिर इसमें किनारे में सिला लगा देना है। ये देखिए इस तरह से आप चाक बना सकते हैं। ये दोनों बराबर आ चुका है, फ्रंट और बैक दोनों साइड का, और दूसरे साइड में भी बराबर हो गया है। ये देखिए यहाँ पर फिर बराबर नजर आ रहा है। और इस तरह से आप चाक साइड स्लैट्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।